बड़ी खबर पटना से। पटना में दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों के पास से पीएफआई के जो दस्तावेज मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसके बारे में एफआईआर में तफसील से लिखा गया है। एफआईआर के मुताबिक मिले दस्तावेज में लिखा है कि नूपुर शर्मा के द्वारा जो हमारे धर्म पर अपशब्द बोला गया उसका बदला लेने की मुहिम चली है। इसमें कुल 26 लोग शामिल हैं। पीएम के कार्यक्रम को भी बिगाड़ने का प्लान था इनका। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड के जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था, वो भी इन संदिग्ध आतंकवादियों में है। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का था इनका प्लान। 11 जुलाई की रात इनको पकड़ लिया गया। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह को एड्रेस करने पहुंचे थे। एफआईआर में इन आतंकियों के प्लान के बारे में तफसील से लिखा गया है। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का इनका प्लान था। नूपुर शर्मा को लेकर देश भर में एक मुहिम चलाने का इनका प्लान था। इसमें 26 लोग कुल मिलाकर शामिल हैं, ये भी एफआईआर में लिखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के फुलवारी शरीफ से अहमद पैलेस से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों के पीएफआई से लिंक हैं। इसमें दर्ज जो एफआईआर है उसमें दस्तावेज, तमाम दस्तावेज का विस्तार से जिक्र किया गया है। नूपुर शर्मा का इस एफआईआर में जिक्र है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने का इन आतंकवादियों का प्लान था और कुल मिलाकर 26 लोग इनके संपर्क में थे। पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है कि कौन है वे 26 जिनको इन्होंने आतंकी ट्रेनिंग दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना पुलिस के एफआईआर में लिखा गया है, पटना के दौरे पर गड़बड़ी के लिए इकट्ठा हुए थे। पीएम का दौरा था 12 जुलाई को। 11 जुलाई की रात आईबी के इनपुट पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले एक पखवाड़े से हथियारों की ट्रेनिंग भी ये आतंकी 26 लोगों को दे रहे थे। 2 महीने से समय समय पर ये मीटिंग भी कर रहे थे। पटना पुलिस के एफआईआर में क्या क्या दर्ज है वो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में अजनबी लोगों का आना जाना था। इन अजनबी लोगों की गतिविधियां संदिग्ध थी। पीएम के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे और उसके लिए ये इकट्ठे हुए थे। इसके लिए बाकायदा पिछले 15 दिनों से हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम इनके निशाने पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।